तीन से चार वार्म अप के सेट, जिसमें कि पहला मैं लूंगा चिन अप। तो जो पहला चिन अप रहेगा ये मारेंगे डेल्ट। अभी दो एक्सरसाइज में इतने तक मस्त हो रहे हैं, हो गया हूँ पहले से, क्योंकि वर्कआउट वर्कआउट थोड़ा है। पूरी जिम में लाइट बंद कर दी है तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू इन माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज वर्कआउट करने वाला हूं मैं शोल्डर का। तो शोल्डर का वर्कआउट करने से पहले मैं लूंगा अपने तीन से चार वार्म अप के सेट, जिसमें कि पहला मैं लूंगा चिन अप, फिर डिप्स, फिर उसका बार डिप्स। तो इसका वार्म अप करने का फिर हम शोल्डर स्टार्ट करेंगे। और शोल्डर स्टार्ट करने से पहले मैं शोल्डर का वार्म अप लूंगा और आज करेंगे बहुत जबरदस्त शोल्डर वर्कआउट। तो स्किप मत करना और जो एक्सरसाइज है उसको भी आप फॉलो करना। आज बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि काफी टाइम से मैंने हैवी वर्कआउट नहीं करा, लास्ट टाइम करा था अमित था उसके साथ, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि हैवी वर्कआउट करूं और आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है? तो बने रहना और जुड़े रहना, चलो आगे चलते हैं। तो जो पहला चिन अप रहेगा ये मारेंगे बैक। इससे क्या होगा कि हमारे जो डेल्ट्स है और रेयर ये ट्रेंड होंगे अच्छे से। तो देखो इसमें बैक में कैसे करना है ना, ये तो इसमें आपका बैक का ये और फ्रंट डेल्ट कवर होता है, ठीक है? तो इसके हम लेंगे तीन सेट। डिप्स हो गई, बस। तो वार्म अप हो गए हमारे तीनों, अब स्टार्ट करते हैं शोल्डर का वर्कआउट। तो पहला शोल्डर का हम लेंगे वार्म अप खाली रॉड से 50 रैप, ठीक है? आज शोल्डर स्टार्ट करने से पहले मैं लेता हूँ वार्म अप, जो कि जो ग्रिप रहेगी बिल्कुल शोल्डर के बराबर रहेगी इसमें, और मैं कोशिश करूंगा कि 50 रैप मार सकूं इसमें, है ना? और इसमें कोनी आगे की साइड रहेगी ऐसे, ताकि आपके फ्रंट डेल्ट्स अच्छे हो जाए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। एक चीज और, जब भी आप ये शोल्डर का वर्कआउट करें तो जब रॉड उठाते हैं तो आप यहाँ लोग छोड़ते हैं, यहाँ नहीं छोड़ना, इसको नीचे लाओ, इसको बैक ले आओ, थोड़ा इसे बैक स्क्वीज करो पीछे, फिर आगे ले आओ, दोबारा स्क्वीज करो पीछे, आगे ले आओ। तो ये तो मेरा ये पहला सेट है, पहला सेट है, मैंने 10-10 की प्लेट इसमें लगा दी, ठीक है? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम 15 रैप मार सकूं। अगर पहले से ही माइंड सेट बना के चलो कि मुझे इतना मारना है तो वो होगा, ठीक है? तो कोशिश 15 रैप मारते हैं, इसमें आराम से लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा वैसे तो, पर तब भी 15 स्टार्ट करते हैं।
तीसरा सेट 25-25-50 किलो, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 7 से 8 रैप निकल जाए इसमें, तो 7 से 8 रैप निकाल दो इसमें, ग्रिप अच्छे से, ठीक है। 3, 2, जय श्री राम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
चाहिए इसका पहला सेट है जिसमें कि मैंने 7.5-7.5 किलो लिया है। तो हमारा है ये डंबल प्रेस, है ना, 16 डंबल प्रेस। 20-25 रैप मारेंगे इसमें ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बस। तो भाई जिम में बहुत ज्यादा लेट आए थे, तो जिम वाले बोल रहे हैं कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं, हमारे पास आधे घंटे, और आधे घंटे में हमें 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो अभी हमारी दूसरी एक्सरसाइज चली है, जो कि पहला मैंने मारा 17.5 किलो से, दूसरा मारता हूँ 20 किलो से, है ना, 20 kg से भी कम से कम 10 से 15 रैप को ले लेंगे, इतना तो मार ही लूंगा, है ना। चलो देखो तो रहेगा डेल्ट डेल्ट, अभी 2 एक्सरसाइज में इतने तक मस्त हो रहे हैं। हाँ मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ पहले से, क्योंकि वर्कआउट वर्कआउट थोड़ा ऐसे ही हो गया था, तो बकचोदी करते बंद और तीसरा सेट मारते, टाइम कम है ना। तो 30-30 किलो है, वैसे तो मैं 40 तक गया हूँ, बट आज 30 ही कर रहे हैं, मारेंगे 10 से 8 से 10 रैप। दस रैप मारे, नहीं सॉरी 8 रैप मारे ना। तो तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तीसरी एक्सरसाइज में हम ले रहे हैं साइड रेज, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग ये मारते हैं, कुछ लोग ये मारते हैं, बट जो मैंने सीखा है वो मैं मारता हूँ हाथ को सीधा करके कलाई नीचे, और इसको ऊपर ऐसे करके उठाता हूँ, रिलैक्स, उठाया रिलैक्स, ठीक है। तो एक बार ये ट्राई कर देखना, उठाया कलाई नीचे तो छोड़ दिया, उठाया छोड़ दिया, तो ये करके देखना एक बार, काफ़ी अच्छा फील होगा मसल को, ठीक है। तो ये दूसरा सेट है, इसमें एक और तरीका है, जैसे कि आप अपने डबल फ्लाई मारने के लिए डंबल को आगे ले जाना, ठीक है, अप स्लो, अप स्लो डाउन, अप स्लो डाउन, अप स्लो डाउन, ऐसी 10 से 12 रैप कर रहे होते हर एक सेट में, ठीक है। चलो तो ये चौथी एक्सरसाइज है, चौथी एक्सरसाइज का पहला सेट बैक फ्लाई, ठीक है, इसे पीछे स्क्विज करना होता काफी ज्यादा, है ना, स्क्विज
तो इसमें क्या है, ये भी तीन चार तरीके से मारते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा अपना मसल ट्रेंड करना है। तो मैंने तो नॉर्मली मारा बेसिक्स, जो बेसिक्स हर कोई वर्कआउट करता है, ठीक है। बस चलो, तो भाई सारी एक्सरसाइज होगी, ऑलमोस्ट चार एक्सरसाइज होगी, पांच। तो अब एक्सरसाइज करते हैं खत्म, क्योंकि पूरी जिम में लाइट बंद कर दी है, तो क्योंकि टाइम पूरा हो गया है। तो जो भी पंप हुआ है, जितना भी पंप हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ ना कितना पंप हुआ है बॉडी में और क्या रहा है। आप लोगों का मेरा पेट नहीं देखा, पंप देखते हैं कितना कैसा कैसा पंप रहा है। बस आप लोगों को क्या देखना, मेरा पेट नहीं देखना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जुड़े रहो, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा वर्कआउट कैसे कैसे क्या क्या करना है ना, अच्छी चीजें पता चलेगी। अगर मुझे इस वीडियो में अच्छे रिस्पांस मिला तो हो सके तो मैं अपनी डाइट आप लोगों से शेयर करूंगा, अगर आप लोगों ने कमेंट में बोला तो, ठीक है। बाकी थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने जितने भी दोस्त हैं जिम फ्रिक सबको शेयर करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपके अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। चलो।